हाँ, बाकी लोग हिमालय चल गए तपस्या करने, उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? सही है ना? हिमालय चले गए बाकी लोग। तो कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जरा आप बताएंगे कुछ? क्या? ओ, रेडियो बटन। मालूम नहीं मेरे को, नहीं पढ़े थे सर, बस बोले। क्यों नहीं आए थे तो? आना चाहिए था ना फिर। बहुत काम है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मैं कल बनाया कल या उसके कल या कल के परसों हम लोग क्या बनाए थे, क्या पढ़े थे। बताएं, ये तो बहुत ना इंसाफी है। किसको? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शनिवार को शायद क्लास नहीं चला था। नहीं चला था। ठीक, तो आप खुश रहिए। ठीक है, तो रेडियो बटन के बारे में क्या क्या बताया था मैं, आप लोग कुछ बताएंगे? इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे रेडियो बटन पे? टॉर्च जला के नहीं डालना है, लेकिन बोल के डालना है। अच्छा, इसमें से ग्रुप बॉक्स कौन सा है आप लोग बताएंगे? जेंडर बॉक्स लिखाया है। अच्छा, वो ग्रुप बॉक्स है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो क्या है? रेडियो बटन। अच्छा, रेडियो बटन है ये। रेडियो बटन ही मैं क्यों लिया यहाँ पे? क्लिक करने। अच्छा, क्लिक करने के लिए। एक चीज को ओपन कर सकते, सेलेक्ट कर सकते। अच्छा, किसी एक चीज को सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन लेना चाहिए। चलिए जी, अच्छी बात है, बढ़िया है। अभी ठीक है, तो कुछ और कारण नहीं है? अच्छा, आप लोग बता तो सही रहे हैं, लेकिन इसको विश्लेषित और ढंग से आप लोग नहीं कर रहे हैं शायद। ठीक है, आप लोग पिछला रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आपके सेवा में पिछला रिकॉर्डिंग हाजिर है यूट्यूब पे। ठीक है, तो और सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है ना? पीछे और सब ठीक ठाक है ना? तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा फिर। ठीक ठाक है तो कर लिया होगा ना आप लोगों ने? चलिए, कंट्रोल राइट क्लिक करा और व्यू सोर्स कोड में गया, व्यू कोड में, तो ये आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए, नहीं, इस पर डबल क्लिक में करा शो बटन पे, तो यहाँ पे दोनों फंक्शन कॉल कर दिया। मेल के चेक डिवेंट में भी कॉल करा हूँ, फीमेल बटन फीमेल चेकबॉक्स के भी चेक डिवेंट पे कॉल करा हूँ, और जेंडर वाला को। ठीक है, राइट, ठीक है, तो यही हमने कल करा था, कल के परसों। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, अभी तो सिर्फ चार है, लेकिन चार की जगह पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो क्या करेंगे हम जी? उतना रेडियो बटन बनाएंगे, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। चार रेडियो बटन, मान लीजिए 10 ऑप्शन है, 10 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो क्या 10 रेडियो बटन बनाएंगे? 10 बना देंगे रेडियो बटन, तब तो फॉर्म में काफी जगह हमारा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, और एक एक रेडियो बटन को डिलीट करने से बेहतर है क्या करना चाहिए? इस ग्रुप वाला में क्लिक करना चाहिए और डिलीट बटन क्या करना चाहिए? दबा देना चाहिए। दबा दिया मैंने डिलीट बटन, वो कहाँ हो गया? उसका ओम नमः शिवाय हो गया। ठीक है जी, वो चला गया अब काम से, डिलीट हो गया। अब जैसे ही वो डिलीट हो गया, तो ये कोड भी जो है एरर बताने लगा।
ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमको, इसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं जी, डिलीट कर दिया हमने। चलिए जी, तो ये सारा फॉर्म डिलीट से बेहतर मैं नया प्रोजेक्ट बना के बता दूं क्या आप लोगों को? चलिए, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, नो कर दूंगा, ठीक है। इसका सोर्स कोड आप लोगों को चाहिए क्या? चाहिए इसका सोर्स कोड? नहीं, मैं सेव कर रहा था तो लिख दिया था एंड कॉम्बो बॉक्स, पढ़ाया नहीं था। कॉम्बो बॉक्स अभी शुरू होगा तो हाँ, कितना अभी 4:11 हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट टाइम जरा बताना आप लोग, कितना हो रहा है? 10:09 हो रहा है ना, ये तो बहुत ना इंसाफी है। टाइम 10 बज रहा है ना, 10:09 तभी तो मैं देखूं कि ऐसे कैसे टाइम हो गया जी। 10 कर देता हूं मैं। एम या पीएम जी? मैं लिख दिया तब बताया हूं, ठीक है। तो ये सोर्स कोड आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए? सफल देखा है आपने, चाहिए सोर्स कोड, खुद से मेहनत करके बनाइए, सोर्स कोड इन लोग को चाहिए, ठीक है। सोर्स कोड नहीं देने वाला हूँ मैं किसी को, ठीक है। क्या चीज? ये बात है विजुअल, तो सोर्स कोड मैं नहीं देने वाला हूँ, याद रखना सब लोग। और प्रोजेक्ट सबको बनाना है विजुअल बेसिक में, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लो। प्रोजेक्ट अगर नहीं बनाया ना तो फिर जितना फीस है उसका दोगुना पैसा लूंगा मैं आप लोग से, हाँ ठीक है, जितना फीस है उसका दोगुना, समझ लो उसका दोगुना। कितना फीस दियो मालूम होगा आप लोगों को? अभी तो 5,000 दिए हैं सर। हैं? हाँ, तो 10,000 रुपये लूंगा अगर प्रोजेक्ट बना नहीं तो, ठीक है। हाँ सर, नहीं तब 10 रुपये भी मत देना जी, ठीक सर, मेरे को मत देना, ठीक है, मेरे को 10 रुपये भी फिर मत देना, और क्या। तो चलिए जी, इसको मैं पिंड करता हूँ और पढ़ते हैं क्या, कॉम्बो बॉक्स, ठीक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्बो बॉक्स, किधर इधर कॉम्बो बॉक्स, इसको पकड़ा और इसको खींच के ले लाऊंगा इधर मैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं रन कर दूंगा, इसको तो रन करूंगा तो क्या होगा जी, अभी कुछ नहीं है इसमें, इसमें हमको आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। कैसे? सबसे आसान तरीका और सरल तरीका, ये वाला जो दिख रहा है ना डॉट, इस पे मैं कर दूंगा क्या, क्लिक कर दूंगा इस पे जी, फिर एडिट आइटम पे क्लिक मैं कर दूंगा जी, ठीक है। ये पूछ रहा है जी, बताओ मेरे को आइटम दो, मैं दे दे रहा हूँ बर्गर पिज्ज़ा, स्पेलिंग जरा बताना, स्पेलिंग जावा लिख देता हूँ, यहाँ विजुअल बेसिक डॉट नेट लिख देता हूँ, यहाँ पे सी शार्प लिख देता हूँ जी, यहाँ HTML लिख देता हूँ जी, यहाँ पे टैली लिख देता हूँ जी, ठीक है, लिख दिया मैं। अब इसको क्या कर दूंगा, ओके, ठीक, ओके मैंने कर दिया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, कर दिया रन, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, इतना सारा आइटम आ गया ना, कितना खुशी का बात है, आ गया ना, आ गया जी। जो भी सिलेक्ट करना है आप यहां से क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर पा रहे हैं, देखिए, ठीक है, यहां पे हम टाइप कर पा रहे हैं। मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे हम टाइप ना कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हिमालय पर्वत और तपस्या करना पड़ेगा 8-10 घंटे, ठीक है सर, बस एक तो लैपटॉप लेके चले जाना, ठीक है, तपस्या करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और अभी गर्मी का मौसम आ गया है, ठंडी के मौसम में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो जाइए राइट क्लिक यहाँ पे करिए, ठीक है। हिमालय जाने के बाद क्या करना होगा,
इस रेडियो बटन पे राइट क्लिक करने करके, रेडियो बटन बोल रहा हूँ, कॉम्बो बॉक्स पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर इसमें एक तो ऑप्शन खोजना पड़ेगा। मालूम क्या है ऑप्शन? बता रहा हूँ, ये एग्जाम में भी शायद आपसे पूछा जाए, ड्रॉप डाउन स्टाइल किधर है, ड्रॉप डाउन स्टाइल स्लैब ड्रॉप डाउन वेट, यही है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, ये बाय डिफॉल्ट होता है ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ड्रॉप डाउन में लिस्ट में कर दूंगा तो क्या होगा जी? देखना जी, रिजल्ट आपके सामने है, ये देख लीजिए। अब ऑप्शन खत्म हो गया ना, ये देखिए सिलेक्ट हो गया, ये देखिए हो गया ना। चलिए रन कर देता हूँ फिर से, देखिए अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे मैं क्या लिख देता हूँ, सेलेक्ट कोर्स। ये तो कुछ हो नहीं रहा है जी टेक्स्ट में, क्या किया जाए इसके लिए? ये तो बहुत ना इंसाफी है, कह दो एक लेबल लगा देंगे, ठीक है जी। खैर कोई बात नहीं, लेबल लगा देंगे हम। ये फ्लैट का कुछ स्टाइल है जी, ये देखिए ये डिजाइन में इधर बन गया, ये प्रॉपर्टी किया तो स्टैंडर्ड कर दूंगा तो ऐसा बन गया, पॉपअप कर दूंगा तो ऐसा बन गया, ठीक है, सिस्टम कर दूंगा तो इस तरह से इसका स्टाइल बदल गया, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन स्टाइल लिस्ट अगर हम कर देंगे तो टाइपिंग का ऑप्शन नहीं देता, सिंपल क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो गया जी। अगर हमने सिंपल करा तो ऐसा हो गया, ठीक, ये देखिए ये सिंपल है ड्रॉप डाउन, ठीक है जी। मेरे को कौन सा पसंद है जी, मैं बता दे रहा हूँ मेरे को कौन सा पसंद है, फिर आप लोग भी बता दीजिएगा कि आपको कौन सा पसंद है। किधर गया जी ड्रॉप डाउन का, ये वाला है सिंपल कर देंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या है सॉर्टेड, इसको मैं बताऊंगा लेकिन थोड़े लेट में बताऊंगा। यहां से हमने क्लिक करके ये जो आइटम एडिट करके ऐड करा था, इसको आप क्या करेंगे, यहां पे आएंगे आइटम्स नाम के प्रॉपर्टी में और यहां पे कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं तो क्या होगा, आइटम ऐड हो जाएगा। समझ गए आप लोग जी, समझ में आ गया ना, नहीं आया क्या, आया समझ में? अभी तो बोल रहे थे कि आ गया समझ में। आइटम्स प्रॉपर्टी में हम आइटम्स को जो डाल देंगे, ठीक है, आलू प्याज टमाटर बैगन जितना लिख देंगे जी वो हमारा शो हो जाएगा, ठीक, और अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कहाँ से हट जाएगा? कॉम्बो बॉक्स से हट जाएगा, हट गया ना। चलिए जी हट गया, तो क्या सीखा आपने, कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड कैसे किया जाता है, ठीक, स्टैटिकली, ठीक, सॉफ्टवेयर को जब आप डिजाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे कैसे ऐड किया जाता है, राइट, आपको ये बात समझ में आ गया, आ गया ना। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे एप्लीकेशन चले, ठीक है, ये फॉर्म जैसे ही लोड हो, मतलब हम रन करें प्रोग्राम को, ठीक है, तो प्रोग्राम रन करते के साथ जो है इसमें डेटा ऐड हो जाए, ठीक, मैं ये चाह रहा हूं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे प्रोग्राम रन हो उस समय पे इसमें डेटा ऐड हो, ठीक, कोई संशय? हाँ रुक तो जाओ थोड़ी देर, कोई सा भी का बता रहा हूँ मैं। आइटम्स में मैं कुछ भी ना लिखूँ, ठीक है, आइटम्स में यहाँ पे ना लिखूँ, जैसे ये फॉर्म लोड हो, ठीक, मतलब प्रोग्राम जैसे ही चले ये वाला फॉर्म स्पेशली लोड हो, वैसे ही क्या हो इसमें जो है डेटा लोड हो जाए। हाँ लिखेंगे कोड, इस फॉर्म पे मैं कर दूंगा डबल क्लिक, अब फॉर्म का लोड इवेंट खुल गया, ठीक,
खुल गया ना। चलिए जी, तो कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है हम वो पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? प्रॉपर्टी में जाकर। प्रॉपर्टी में नेम कहीं लिखा होगा, ये देखिए नेम लिखा है। क्या इसका नेम है? कॉम्बो बॉक्स वन। इसको हम क्या कर लेंगे? कॉपी। ठीक, हम तो महारथी हैं जी कॉपी पेस्ट करने में, हमको टाइपिंग करना का शौक नहीं रहता है जी, हम थोड़े आलसी लोग हैं। तो क्या कर लेंगे? कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे डॉट। डॉट लगाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? आइटम्स नाम का प्रॉपर्टी एक्सेस करना पड़ेगा। नहीं यार, आइटम प्रॉपर्टी नहीं है, मैं भूल गया था। ठीक है, तब क्या प्रॉपर्टी है जी? शायद ऐड नाम का मेथड है डॉट। क्या मेथड था, मुझे कुछ पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। या आइटम्स डॉट ऐड था, खोजता हूं इसमें होगा, मिल जाएगा। आइटम्स डॉट ऐड, हाँ आइटम्स डॉट ऐड है, मैं भूल रहा था। ठीक है, चलिए जी। अब ये क्या बोल रहा है? ऐड यहाँ पे लिखा है ना, तो ऐड फंक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट लेता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? डबल कोट में क्या पास कर देंगे जी? आइटम। ठीक, आइटम में क्या पास कर दूंगा मैं? जावा। ठीक, सेव कर दिया। अब इसको क्या करूंगा? रन कर दूंगा। तो जैसे ही फॉर्म लोड हुआ, इसमें जावा ऐड हो गया। राइट, ऐड हो गया ना। इसी को मैं क्या करूंगा? 10 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक, तो ये 10 बार ऐड हो जाएगा जी। हो गया ना। इसमें क्या कर देंगे? vb.net कर देंगे, sql कर देंगे ऐड। ठीक है, और फिर क्या ऐड कर देंगे? html। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा? रन। तो क्या हो गया? अब इसमें आइटम ऐड हो गया। तो ये डायनामिकली आइटम ऐड हो गया ना। चलिए जी, मैं क्या चाहता हूं कि एक बटन ले लूं। ठीक है, ये बटन यहां से मैंने लिया। ठीक है, ये बटन लिया मैं, और क्या करूंगा? बटन में लिख दूंगा ऐड। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देता हूं मैं ऐड आइटम्स। ठीक, ये गलत लिख दिया यार मैं, आइटम का स्पेलिंग आइटम सही है स्पेलिंग? गलत भी होगा तो हमारा बिगड़ेगा का। आइटम्स का स्पेलिंग क्या होता है जी, आप लोग याद कर लीजिएगा, हमको याद नहीं है। ठीक है, चलिए जी, मैं इस पे जब क्लिक करूं, ठीक है, अभी तो फॉर्म के लोड होते ही जो है इसमें आइटम ऐड होता है। मैं चाहता हूं कि इस पे क्लिक करूं तब आइटम लोड हो। ठीक, तो क्या करूंगा? इस पे डबल क्लिक करूंगा। ठीक, और फॉर्म के लोड इवेंट में जो ये कोड लिखा था मैं, यही सेम कोड को कट करूंगा, और ये बटन का क्लिक इवेंट है ना जो जनरेट हुआ था अभी, इस पे मैं कर दूंगा पेस्ट, फिर कर दूंगा रन। अब क्या होगा? अभी कोई देखिए आइटम ऐड नहीं है, अभी इस पे कर दूंगा क्लिक, अब जो है आइटम ऐड हो गया। हो गया ना, कितना खुशी का बात है ना। तो ऐड हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट है तो बताइए। हाँ, सो बटन पे मैंने डबल क्लिक करा, और इसके क्लिक इवेंट पे मैंने ये आइटम्स लिख दिया। ये कॉम्बो बॉक्स वन जो है वो क्या है? इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है। मुझे कैसे पता चला नाम? तो इसका प्रॉपर्टी में मैं इधर आया, ठीक है, इधर, और यहाँ पे नेम देख लिया। ये देखिए कॉम्बो बॉक्स वन यहाँ पे भी लिखा है, तो इस पे क्लिक करा तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे नेम आया। ठीक है, अब कॉम्बो बॉक्स का ये आइटम प्रॉपर्टी था, इसके अंदर से ये फंक्शन है, ये फंक्शन कह लो या सबरूटिंग कह लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइटम्स में डॉट लगा के ऐड लिखा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको डबल कोट में दे दिया कोई भी स्ट्रिंग। ठीक, तो वो जो है ऐड हो गया। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? वैसे तरीके तो और भी हैं इसमें ऐड करने का कॉम्बो बॉक्स में डेटा, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ, यही टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें डेटा टेबल
या फिर लिस्ट भी दे दिया जाता है डॉट आइटम्स। इसमें क्या क्या दे सकते हैं जी, कलेक्शन दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे देंगे और कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए जी, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, है कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए जी, तो एक काम आप लोग करिए, मैं ये चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर जैसे रन हुआ तो इसमें जो आइटम अभी ऐड नहीं हुआ है आइटम ऐड पे क्लिक करा और इसमें आइटम ऐड हो गया, ठीक है। तो आप क्या काम करिए कि मैं यहाँ पे क्या लूँ, एक तो टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ और उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ लिखूँ और ऐड पे क्लिक करूँ तो जा करके यहाँ डेटा ऐड हो जाए, हाँ इसमें डेटा ऐड हो जाए, ठीक। अभी मैं ऐड 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 जितना बार क्लिक करूँगा तो उतने बार आइटम ऐड हो गया, देखिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जो है कुछ लिखूँ और इसमें ऐड पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ऐड हो जाए वो आइटम। तो कैसे करूँगा जरा आप लोग बताइए, मैं इसको हटा दिया, कैसे करूँ, क्या ऐसा लिखूँ, क्या क्या मुझे करना होगा बताइए आप लोग। ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स एक ठो ले लेता हूँ इधर से, इधर गया जी टेक्स्ट बॉक्स, ले लिया, ले लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या करूं, ऐड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब क्या करूं, एक क्लिक इवेंट खुल गया है ऐड बटन का, हाँ कुछ आप अपने शब्दों को थोड़ा स्पष्ट रूप में कहिए। पीछे बताओ कुछ और कमलेश, ठीक ठाक है ना? बताओ फिर क्या करूं, नहीं पता है, बताओ, मैं नहीं जानता कुछ, नहीं बताओगे है? क्या करूं बताओ, बताओ जल्दी क्या करूं मैं, बता दीजिए ना सरकार पसंद है। टेक्स्ट बॉक्स में कोड लगा दो, क्या मजाक, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग को कष्ट दीजिए ताकि वो सोचे। अच्छा सिंपल सा बात है, इस आइटम एड आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यही वाला कोड चलता है ना, यही चलता है, और इस डबल कोड में यहाँ पे जावा लिखा है तो जावा ऐड हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहाँ पे आए, डायनामिकली प्रोग्राम रन हो यहाँ पे आए, और डेटा जब यहाँ पे आएगा तो क्लिक जैसे ही करेंगे बटन पे तैसे ही कॉम्बो बॉक्स में ऐड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, नहीं होगा? तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा कैसे आएगा वो आप लोग बता दीजिए। चलिए बता दीजिए जी, बताओ, नहीं बताओगे? सिंपल सा बात है, इसका नाम क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स का, ऊपर आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स वन, यही नाम है ना। चलिए जी, कॉपी मारा इसको, आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक। अब टेक्स्ट बॉक्स के किस प्रॉपर्टी में डेटा निकालूंगा, किस प्रॉपर्टी से, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से ना, तो डॉट यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेक्स्ट, हो गया ना, बस काम खत्म हो गया। क्यों, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो निकलेगा कहां से डेटा, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट प्रॉपर्टी से, और ऐड किस में हो जाएगा, कॉमो बॉक्स के आइटम में, यही था ना, देख लो भाई।
हाँ अभी कोई डेटा नहीं है, देख लेना हो गया। अभी देखो ना ये ऐड है ना, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, हो गया क्लिक। अब देखिए आ गया ना, इसमें मैं क्या लिख दूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी लिख दिया, कुछ भी ठीक। ऐड आइटम पे क्लिक कर दिया, ऐड हो गया ना, यही तो करना था, कितना आसान था। हाँ हाँ इस काम में तो माहिर हो, कहीं चलो फोटो फाटो। ऐड हो गया ना, जितने बार क्लिक करूंगा उतने बार ऐड हो गया, हो गया ना, नहीं हुआ तो कितना आसान काम था, ये आसान काम था ना, था आसान काम। रन किया मैं, ठीक है, इस पे मैं कुछ लिखा, ऐड पे क्लिक किया, ऐड यहाँ पे हो गया, नहीं ऐड हुआ, ये देखो ऐड हो गया इसमें। लेकिन ऐड होने के बाद इसमें डेटा खाली नहीं हो रहा है, डेटा को खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ मैं। इसमें सिंपल सा बात है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे डबल कोट में इसको ऐसे देके एंटर कर देंगे, ठीक है। तरीके और भी हैं जी, ठीक है, लेकिन मैं यही टेक्निक यूज करता हूँ। अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने खाली कर दिया ना, अब देखिएगा क्या होगा जी, ये देखिए हो गया। ऐड आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें ऐड हो गया डेटा और ये खाली हो गया। फिर मैं क्लिक करा ऐड आइटम पे, फिर डेटा वहाँ खाली इसमें आ गया, आ रहा है ना। यही तो करना था, कोई बहुत बड़ा तो चीज़ नहीं था, क्यों यही करना था, हो गया ना ऐड, नहीं हुआ, बड़ा आसान काम था नहीं था। ये देखिए तो इतना सबको इस क्लियर है, आप लोगों को इतना आप लोग देख लिए डेटा डायनामिकली कैसे ऐड होगा, ठीक है जी, देख लिए तो अच्छी बात है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मेरा इच्छा नहीं। इस कॉम्बो बॉक्स को मैं लाता हूँ इधर, इसमें करता हूँ डिलीट, ठीक है। अच्छा मैं डिलीट कह कर दिया, जेड करके इसको दोबारा से ले लाता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले लाता हूँ, ऐड आइटम को इधर रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ बटन्स और मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, ठीक है। इस ऐड आइटम को मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ये दो तीन, क्या चीज, ये लो, ठीक। इसके प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ और टेक्स्ट में लिख देता हूँ count, काउंट, ठीक है। इसको क्या लिख दूँ मैं, क्लियर, ठीक है। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं क्या लिख दूँ ये sort, सॉर्ट, और क्या लिख दूँ जी, मुझे तो अभी इतना ही याद आ रहा है, और क्या हो सकता है, आइटम को ऐड कर लेंगे हम इससे, थोड़ा इसको मैं रोक के सोचता हूँ और, ठीक है। तो इस बटन पे एक और लिख देते हैं हम रिमूव, ठीक है, डिलीट, ठीक, आइटम को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे यहाँ से। और कुछ अभी मेरे को इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, बाकी कुछ याद आएगा तो मैं लिख दूंगा जी। डिलीट या रिमूव वही मैं लिखा हूँ, चलिए रिमूव ही लिख देता हूँ यहाँ पे, रिमूव, ठीक है, रिमूव हो गया। रिमूव करेंगे तो इसका डेटा जो है रिमूव होगा, ठीक। चलिए जी आगे चलें, आइटम ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइप करके तो आइटम ऐड होगा, ठीक है।
तो मैं फॉर्म के लोड इवेंट पे कुछ डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट किया और लोड इवेंट पे लिख दिया कोड, ठीक है, ए लेकिन ए बी सी डी सही नहीं रहेगा लिखना, मैं कोर्स का नाम लिख देता हूँ डी सी ए, ठीक है, बी सी ए, एम सी ए, पी जी डी सी ए, ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म लोड हुआ चलने के चला वैसे ही ये डेटा ऐड हो गया है, हो गया है ना। अब क्या होगा कि हम जैसे ही काउंट पे क्लिक करें तो ये कितना आइटम से उन सबको काउंट करके बता दे हमको, ठीक। तो क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना है जी, बस इस काउंट बटन पे करना है डबल क्लिक और बस यहाँ पे क्या कर देना है, मैसेज बॉक्स में दिखा देना है हमको। क्या दिखाना है मैसेज बॉक्स में, काउंट। काउंट कैसे होगा, तो कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखेंगे जी यहाँ पे, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट सी ओ यू एन टी काउंट, काउंट, ठीक है, काउंट मेथड कॉल करा मैंने, ठीक है, अब ये काउंट करके दे देगा, ठीक है। डेटा ये है, चार ठो कोर्स है ना, अब देखिएगा कितना कोर्स आएगा, काउंट में चार ठो आ गया ना, यहाँ पे आ गया चार ठो कोर्स, ठीक है। तो यही है जी, कॉमा दे दीजिए इधर, मैसेज का कुछ स्टाइल दे दीजिए, इन्फॉर्मेशन, फिर कॉमा दीजिए, टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे लिस्ट काउंट, ठीक है, यही है जी, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ऐसे काउंट कर लोगे आप, ठीक है, चार्ट हुआ गया। अब इसमें कुछ आइटम मैंने यहां से ऐड कर दिया, ऐसे हो गया ना ऐड, आ गया इसमें, अब देखिएगा काउंट करूंगा तो बताएगा पांच, बता दिया पांच, तो ऐसे आप काउंटिंग कर लोगे। ये है क्लियर बटन, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्या हो, जितना भी आइटम है सब डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक, जितना भी आइटम है वो सब डिलीट हो जाना चाहिए इसमें से। तो क्लियर बटन पे क्लिक करने पे कैसे होगा, बड़ा आसान काम है, इस पे आएंगे क्लियर बटन पे, डबल क्लिक करूंगा, क्लिक इवेंट खुला और कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है जी, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर कॉल कर दिया मैं, क्लियर मेथड कॉल कर दिया, ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए जी, यहाँ पे है ना आइटम कुछ, क्लियर पे क्लिक कर दिया मैं, पूरा डिलीट हो गया ना डिलीट, बस यही इस विजुअल बेसिक का सत्य है जी, बड़े आसानी से क्लियर हो गया ना। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, बड़ा आसान काम है, आसान काम है ना, नहीं है, नहीं बोलते, बताइए जरा आप लोग आसान काम है कि नहीं है जी, है आसान काम, चलिए जी आगे चले, समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा है समझ में, अगला है सॉर्ट, ठीक। सॉर्ट के लिए क्या करते हैं जी, हम कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखते हैं यहाँ पे, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट एस ओ आर टी, नहीं नहीं आइटम में नहीं है, डॉट एस ओ आर टी होगा, ठीक है, डेटा सोर्स से भी हम जो है ऐड कर सकते थे, सॉर्टेड। अब सॉर्टेड में क्या दे देंगे जी, हम ट्रू दे देता हूँ मैं, देखिएगा आप ट्रू का क्या मतलब है, इस सॉर्टेड वाला पे मैंने डबल क्लिक करके कोड लिखा है, ठीक है। इस बटन का क्या नाम है, बटन फोर नाम होगा इसका, तो मैं नाम नहीं बदल रहा हूँ, आप लोग नाम बदल के देख सकते हो, ठीक है,
अब मैं करता हूँ रन। अभी देखिए आइटम क्या है, पहले डी सी आई, फिर बी सी आई, फिर एम सी आई, फिर पी जी डी सी आई, ठीक है। अब शॉर्ट पे मैं क्लिक करा, अब देखिएगा क्या हो गया, बी सी ए पहले आ गया, फिर डी सी ए आ गया, फिर एम सी ए आ गया ना। तो क्या कर दिया, आइटम को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो यही है जी आइटम सॉर्ट करना, ठीक है। फाल्स अगर कर दूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा जी, देखना आप लोग क्या हो जाएगा। ऐसे है अभी, ठीक है, कर दिया शॉर्ट वाले पे क्लिक, ठीक है। अब क्या हुआ जी, कुछ नहीं, क्या होगा इससे, ठीक है। तो ये है जी, यहाँ पे मैं ट्रू रहने देता हूँ, सॉर्टेड, ठीक है। तो सॉर्ट कर ही लिए आप लोग, सॉर्टिंग हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, नाम इन लोगों का बदल दूँ क्या मैं, कि नाम बदल दूँ या एस ओ आर टी सॉर्ट बी टी एम, ठीक है, हो गया जी। शॉर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, बी सी ए चला गया ऊपर, तो यही है जी, ठीक है। तो क्लियर है इतना सबको, रिमूव पे चलें ना चलें, चलते हैं। इस रिमूव बटन पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक। एक तो मैं और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं इधर से, ठीक है। ये है टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स किस लिए है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा हम लिखेंगे वो जो है इस कॉम्बो बॉक्स से डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए कि इसमें जो भी आइटम है उसका आइटम का नाम हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाए, वो आइटम इस कॉम्बो बॉक्स से डिलीट हो जाए, ये चाहता हूँ मैं, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल सा बात है, बटन 5 यहाँ पे दिख रहा है, ये रिमूव बटन है, ठीक है, रिमूव बटन का नाम डबल बटन 5 है, आया। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट, अब यहाँ पे क्या है, दो ठो फंक्शन है रिमूव करने के लिए, दो ठो सब रूटीन है, सब रूटीन, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना पब्लिक और सब, ये दो ठो है, ठीक है, रिमूव और रिमूव एट, एक ठो है रिमूव, एक ठो है रिमूव एट, ठीक। दोनों क्या काम करते हैं जी, दोनों काम करते हैं डेटा रिमूव करने का ही, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, ठीक। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं डी सी ए, ठीक, तो यहां पे अगर मैं आखिरी में फोटो खींच लेना भाई, यहां पे अगर मैं डी सी ए लिखता हूं, ठीक, और किया मैं रन, ठीक है, तो इसमें जो भी डी सी ए है ना वो डी सी ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लिक कर दिया रिमूव से मैं, अब देखिए डी सी ए गायब हो गया ना, अब डी सी ए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये डी सी ए जो था वो डिलीट हो गया, ठीक। अब इसी डी सी ए को डिलीट करना है किस से, रिमूव एट फंक्शन से, ठीक है, रिमूव एट से, रिमूव एट सब रूटीन है, फंक्शन नहीं है, इसमें डाल देता हूं मैं 0, ठीक। अब मैं आता हूं रन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, 0 1 2 3, अब अगर ये 0 से इंडेक्सिंग काउंट करेगा तो 0 पोजीशन पे डीसीए है और डिलीट कर देगा, और अगर 1 2 3 से काउंट करना होगा इसको तो फिर एरर दे देगा। रिमूव पे मैंने क्लिक करा, नहीं क्लिक हुआ क्या,
डीसीए गायब कर दिया वो, ठीक। फिर से रिमूव पे क्लिक किया तो कौन, ये गायब कर दिया बीसीए को, ठीक है। अब जीरो पोजीशन पे कौन आ गया, एमसीए आ गया ना, तो फिर से मैं क्लिक, क्या चीज जो ऊपर है जीरो पोजीशन, ऊपर से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो जो जीरो पोजीशन पे उसको डिलीट कर दे रहा है। अब ये जीरो पोजीशन पे इस पे क्लिक कर दूंगा तो रिमूव हो गया ये, ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्या बता रहा है, इंडेक्सिंग, ठीक, ठीक है ना, क्लियर है इतना आप लोगों को, है नहीं है क्लियर, क्लियर है ना। तो रिमूव और रिमूव ऐड का मतलब ये है, ठीक। अब क्या चाह रहा हूं मैं कि यहां पे जो डेटा आता है वो कहां से आए, टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक। मैं रिमूव को रहने देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा जी, इस टेक्स्ट बॉक्स पे जो डेटा हो वो डेटा यहां से डिलीट हो जाए। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है जी, देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक। तो यहां पे लिख दूंगा मैं टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट लिख दिया, कर देता हूं मैं रन। ये देखिए ये है डीसीए, यहां पे मैं यहां पे आता हूं, लिख देता हूं डीसीए और कर देता हूं रिमूव। रिमूव पे जैसे ही क्लिक करा डीसीए पार हो गया, ठीक है। अब फिर से मैं रिमूव पे क्लिक कर रहा हूं, सी शार्प होता तो शायद एरर आ गया होता, इसमें नहीं आया, ए एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया होगा इंटर वैल्यू, ठीक है जी। तो डिलीट हो गया इस तरह से, तो डिलीट आप लोग कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, इस बटन पे डबल क्लिक करता हूं, इसको बोल देता हूं इंडेक्स को चेक करने के लिए, डबल क्लिक मारा और कॉम्बो बॉक्स ए डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक, सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। ये कुछ और इसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेलेक्टेड इंडेक्स को हम देखते हैं ये क्या है जी, ठीक है। अगर जो सेलेक्ट है उसका इंडेक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करना पड़ेगा। मैं एमएसजी बॉक्स में क्लिक करता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक, मैसेज बॉक्स में दिखाएगा ये, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस बटन 2 वाले में, ठीक है। इस बटन 2 का जो क्लिक इवेंट है वो ये है, ठीक है। इसका टेक्स्ट है जो है बटन 2, ठीक। तो इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप चाहें तो बदल सकते हैं, यहाँ पे बदल के लिख दीजिए आप सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्या लिख दिया मैं, इंडेक्स, ठीक है। मैं कर देता हूँ रन, ठीक है। मैं सेलेक्ट करता हूँ डीसीए को और करता हूँ इस पर क्लिक, तो इसका इंडेक्स है 0, 0 बता रहा है जी इसका इंडेक्स। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका इंडेक्स 1 बता दिया जी, ठीक। इसका इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो ये बता दिया 2, ठीक। तो आपने जो सेलेक्ट किया है वो उसका इंडेक्स क्या है जानना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्टेड इंडेक्स पे कर देंगे जी क्लिक, ठीक, तो जान जाएंगे आप लोग। ये देख लीजिए 3 आ गया, चलिए जी। आपने जो सेलेक्ट करा है उसका अगर आपको डेटा लेना है तो आप क्या करेंगे जी, एक बटन और मैं इधर से ले लेता हूं, ठीक है। और एक लेबल भी लेता हूं मैं, ठीक है, ये लेबल को मैं लाता हूं इधर, ठीक। इसमें जो डेटा सेलेक्ट है वो डेटा मैं इस लेबल में दिखाना चाह रहा हूं। हम क्या करते थे, रेडियो बटन से डेटा लेते थे ना, दिखा देते थे लेबल पे, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेकर के दिखा देते थे, इस पे दिखा देते थे ना, नहीं दिखाते थे, दिखा देते थे। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है
कुंभ बॉक्स उसका डेटा मैं लूं और कहां पे दिखा दूं जी, इस वाले लेबल पे। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। क्यों, तो यहां पे आता हूं और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं कर देता हूं गेट डेटा। क्या मजा नहीं आया, सो लिख देता हूं मैं सो। ठीक, इस सो बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा इस लेवल में सो होने लगेगा। लेवल का क्या नाम है, लेवल वन। ठीक, इस पे मैं कर देता हूं डबल क्लिक। ठीक, अब लिखता हूं मैं कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट, नहीं नहीं सिलेक्टेड होता है यार, सिलेक्टेड। अगर टेक्स्ट में लिख दूंगा तो क्या होगा, जो टेक्स्ट मैं सिलेक्ट किया रहूंगा वो आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आ जाएगा जी हमारा आइटम। कहां दिखाना है मेरे को, लेबल में, लेबल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक, ये देखिए हो गया जी। तो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम क्लिक करा मैं। ठीक है, क्लिक कहां किया अभी, सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी को रीड करा और इस टेक्स्ट में डाल दिया। ठीक, MCA में से सेलेक्ट कर गया, सो पे क्लिक करा तो MCA यहां पे आ गया, आ गया, आ गया ना। चलिए जी, तो आप डेटा कैसे लेंगे जी, आपको समझ में आ गया डेटा लेना कैसे है। यहां पे सेलेक्ट करना है और सो पे क्लिक करेंगे, डेटा यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा। इस तरह से आप डेटा ले लेंगे। डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करा मैं, गायब हो गया जी, कुछ तो आ ही नहीं रहा है जी, कुछ नहीं हुआ, ये मजा नहीं आया जी। इसका क्या कारण है जी, क्यों इसका क्या कारण है, मैंने ये स्टाइलिंग बदला है। ठीक है, स्टाइल को मैं दोबारा से जो है चेंज कर दूंगा तो होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या है जी, सिलेक्टेड वैल्यू भी एक होगा यहां तक, ये देखिए सिलेक्टेड वैल्यू है। ठीक, सिलेक्टेड वैल्यू में क्लिक करेंगे तो क्या होगा जी, सिलेक्टेड वैल्यू में क्या आएगा ये तो अभी मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि वैल्यू मेंबर मैंने सेट नहीं करा है, तो वैल्यू कुछ था नहीं शायद, इसीलिए जो है खाली आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो इसमें दो टो होता है, एक डिस्प्ले मेंबर होता है, एक सिलेक्टेड मेंबर होता है, वैल्यू मेंबर होता है। ठीक है, तो मैंने खाली जो डिस्प्ले कर रहा है वो वाला डेटा शो कराया है अभी। ठीक है, डिस्प्ले मेंबर है, डेटा सोर्स है, डिस्प्ले सिलेक्टेड वैल्यू का जो टेक्निक है ना, सिलेक्टेड वैल्यू का क्या तरीका है जी लेने का डेटा, उसको मैं डेटाबेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो बता दूंगा आपको मैं डेटाबेस वाले में। ठीक है जी, सिलेक्शन लेंथ, सिलेक्शन लेंथ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो सिलेक्ट आपने किया उसका लेंथ बताएगा। ठीक है जी, दिखा दे रहा हूं आपको लेंथ, मैंने क्या मैंने कॉल कर दिया, लेंथ बता देगा जी। ठीक है, डीसीए कितना बताना चाहिए लेंथ, आप लोग बताइए। चलिए सो पे हम क्लिक करिए देते हैं, बता दिया जी लेंथ, इस पे क्लिक कर देते हैं जी, फिर भी नहीं बता दिया लेंथ जी। ये कौन सा सिलेक्शन लेंथ है, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ इस लेंथ को, चलिए याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। बाकी इसमें कुछ और जानना होगा तो जरूरत के आधार पे मैं डेटाबेस में आपको, डेटाबेस के साथ जब इसको बताऊंगा तो आपको मैं और बता दूंगा, ठीक है जी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। नहीं है दिक्कत? है दिक्कत? दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? है किसी को? नहीं है दिक्कत? डेटा ऐसे आप ले लोगे, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके कर देता हूँ बड़ा, ठीक है जी। ये है, इन सब का मैं वाइट स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन वाइट स्पेस ख़त्म करके भी क्या फ़ायदा है, तो कोड ज़्यादा थोड़ा सा हो चुका है। इस कोड को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ ऐसे डिलीट करके। लो जी, फोटो आप दो बार में खींच लीजिए, ठीक है। एक खींच लीजिए फोटो, फिर मैं आगे दिखाऊंगा। खींच लिया आपने फोटो? खींच लिया ना आपने फोटो? हो गया। नीचे ये वाला है, ये कोड है। हो गया? चलिए जी, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। हो गया ना? मैं आता हूँ इसमें, इसका स्टाइल थोड़ा सा बदलता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ मैं ड्रॉप डाउन आइटम पे, ठीक है जी। तो अभी तक आपने जो भी प्रैक्टिस करा उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? माइनस वन, जीरो, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है दिक्कत? है दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिख रखा है, ठीक है। ऐड कर दिया मैं आइटम, इस पे ब्लैंक आ गया होगा अभी तो बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे डेटा ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रिमूव कर दूंगा तो ये देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई डेटा सेलेक्टेड है, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि बटन पे मैं क्लिक करूँ और कोई भी डेटा सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं कोड लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको क्या होगा। कोड उसका ऐसे होगा कुछ, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक। सेलेक्टेड इंडेक्स जो है माइनस आप वन कर देंगे तो कुछ भी सेलेक्ट होगा तो कुछ सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये कोड आप लिखेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा जो भी सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है जी। डिलीट मारता हूँ। तो कुछ पूछना है अगर किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है? सबको समझ में आ गया? पीछे क्या सभी लोगों को समझ में आ गया?
नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, आ गया तो कितने गर्व का बात है। क्यों क्यों सही है ना। तो समझ में आ गया सभी लोगों को ना, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना। चलिए जी, कोई कुछ नहीं पूछेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि सबको समझ में आ गया। चलिए कॉम्बो बॉक्स का आखिरी काम हम कर लेते हैं, इन सबको मैं डिलीट मार दूं, कर दूं ना डिलीट, कर दिया मैं डिलीट। ठीक, इसमें आता हूं, ये सारा कोड डिलीट मैं कर देता हूं, यहां से ले रहा हूं, ये क्लास को नहीं डिलीट कर रहा हूं, और आखिरी तक गया, सारा सिलेक्ट किया, इंड क्लास को छोड़ दिया सिर्फ। अभी मेरे पास सिर्फ इतना कोड बचा हुआ है, ठीक, बाकी सब मैं डिलीट कर दिया। ठीक, मैं क्या करता हूँ, दो ठो कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, किधर गया दो ठो कॉम्बो बॉक्स, दो ठो एक साथ कॉम्बो बॉक्स तो नहीं ले मिलेगा मेरे को, बारी बारी से पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। ऊपर है ना, सी से होता है, ऊपर होगा वो, ये है कॉम्बो बॉक्स। ठीक, ये है। ठीक, तो यहां से मैं कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे विषय आ जाए और उन दोनों को मैं दिखाना चाह रहा हूं, कहां एक लेबल ले लेता हूं, उस लेबल में, इस लेबल में। ठीक, एक बटन ले लेता हूं मैं, बटन किधर है भाई, ये बटन ले लिया मैं, बटन का टेक्स्ट मैं बदल देता हूं और क्या कर दूं, सो डाटा। ठीक है, सो डाटा हो गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, इस बटन का नाम भी बदल के मैं सो डाटा कर दूं क्या, इसका नाम नाम बटन वन ही छोड़ देता हूं। इस लेबल का नाम क्या है, लेबल वन, इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो बॉक्स वन, इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो बॉक्स टू। ठीक, तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे फॉर्म लोड हो तो इसमें कुछ कोर्स आ जाए। ठीक, तो फॉर्म पे मैं किया डबल क्लिक, और कॉम्बो बॉक्स वन में आना चाहिए, कोर्स इसमें आना चाहिए ना, तो इसमें आ जाएगा जी कोर्स, तो इस कॉम्बो बॉक्स का क्या नाम है, कॉम्बो बॉक्स वन। ठीक, तो यहां पे आता हूं, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, क्या क्या आइटम ऐड कर दूं जी, डीसीए ऐड कर देता हूं मैं, डीसीए यहां पे ऐड कर देता हूं, बीसीए। ठीक, दो ही कोर्स रहने देता हूं मैं। ठीक, तो मैं अब क्या चाह रहा हूं, रन करता हूं मैं प्रोग्राम। ठीक है, अभी इस कॉम्बो बॉक्स में कोई भी डेटा ना रहे। ठीक, इसमें है डेटा, इसमें सेलेक्ट करूं मैं डीसीए, तो डीसीए का सारा डेटा अपने आप इसमें आ जाए। ठीक, यहां पे मैं सेलेक्ट करूं बीसीए, तो इसका डेटा अपने आप यहां पे आ जाए। ठीक, मैं सही कह रहा हूं ना, इसमें डेटा अपने आप आ जानी चाहिए, राइट, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो आप लोग कुछ सिलेक्ट करते हैं अपना स्टेट, तो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है ना, तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि डीसीए सेलेक्ट करूं तो अपने आप यहां पे जो है आ जाए क्या, कोर्स, कोर्स सेलेक्ट करूंगा यहां से, यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और कोर्स और सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, सो डेटा पे क्लिक करूं, अपने आप यहां पे कोर्स और विषय आ जाए, आ जाना चाहिए, राइट। यहां पे भी आप लेबल दे सकते हो, सेलेक्ट कोर्स का, सेलेक्ट सब्जेक्ट का, लेबल आप लोग दे लोगे ना कि मैं दूं लेबल,
आप लोग थोड़े आलसी स्वभाव के आदमी हो, मैं ही दे दे रहा हूँ। ठीक, इसमें आया, इसका नाम दे देता हूँ जी, सेलेक्ट COURSE, और इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं, वो कोर्स हो गया सब्जेक्ट। ठीक, कोर्स यहाँ पे है। तो ये जो कॉम्बो बॉक्स है, कब डेटा शो होना चाहिए कॉम्बो बॉक्स टू में? ये कॉम्बो बॉक्स टू है, इसमें डेटा कब शो होना चाहिए? जब हम इसमें सेलेक्ट करें कुछ, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं? चलिए जी, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉम्बो बॉक्स पे ही कर दूंगा डबल क्लिक। तो क्या आ गया, आइटम इंडेक्स चेंज इवेंट। आइटम का जब इंडेक्स चेंज होगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे लिखा हुआ कोड चलेगा। ठीक, अब ले लेता हूं मैं डीम आई कोर्स, ठीक है, COURSE कोर्स इक्वल टू, इस कोर्स में मैं क्या लिख दूं, इस कोर्स में मैं रखना चाह रहा हूं कि कौन सा, ये जो कॉम्बो बॉक्स वन है, ठीक, ये जो कॉम्बो बॉक्स वन है इसमें अगर DCA सेलेक्ट है तो कुछ डेटा आ जाए, BCA सेलेक्ट है तो कुछ डेटा आ जाए, मैं ये चाह रहा हूं ना। तो सबसे पहले सिलेक्टेड क्या है ये तो मेरे को पता लगाना पड़ेगा ना। तो पता कैसे लगाऊंगा, तो कॉम्बो बॉक्स वन, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, यही करूंगा ना, सिलेक्टेड आइटम पे मैं क्लिक कर दिया। ठीक, तो जो भी आइटम सिलेक्टेड रहेगा वो आ जाएगा इस कोर्स में। ठीक, मैं मैसेज बॉक्स में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, MSG बॉक्स COU कोर्स। ठीक, कोर्स, ठीक, मैसेज में मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, रन कर दूं प्रोग्राम। चलिए जी, सेलेक्ट करता हूं मैं DCA, आ गया DCA, फिर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं BCA, BCA आ गया ना। तो अब तो हम चेक कर सकते हैं ना कि अगर BCA है तो ये कोर्स ऐड करो, DCA है तो ये कोर्स ऐड करो, इफ एल्स का कंडीशन लगा के लगा सकते हैं। चलिए जी, इफ कोर्स इक्वल टू क्या हो, DCA, अगर DCA हो तो क्या करो जी, आइटम ऐड करो, किसमें आइटम ऐड करो, इस वाले कॉम्बो बॉक्स में आइटम ऐड करो। ठीक, इस कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो बॉक्स टू। ठीक, तो कॉम्बो बॉक्स टू में क्या क्या आइटम ऐड करना है जी, डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक, कॉम्बो बॉक्स में आइटम ऐसे ही ऐड किया जाता है ना, और यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, आइटम पास कर देते हैं, आइटम। तो क्या पास कर दूं जी DCA में, मान लो मैं DCA में दे देता हूँ वर्ड। ठीक है, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, POWER पावर पॉइंट। ठीक, ये मैंने पास कर दिया। ठीक है, यहां पे अब मैं सीधा चाहूं तो एल्स में पास कर सकता हूं BCA के लिए। ठीक, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन रहेंगे तो क्या करेंगे जी हम, तो एल्स इफ मैं लगा लेता हूं जी, एल्स इफ मैं यूज करना चाह रहा हूं, लेकिन else if, ठीक है, फिर कोर्स में मैं चेक कर लूंगा जी क्या BCA तो नहीं है। ठीक, अब BCA है तो क्या ऐड कर दो जी इसी कॉम्बो बॉक्स में, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडिट कर दो, जैसे C++, विजुअल बेसिक, ठीक है, जावा, ठीक है, ए ऐड कर दो। ठीक है जी, तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करूंगा, ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुल चलेगा, लेकिन इसमें छोटा सा प्रॉब्लम आएंगे। क्या प्रॉब्लम आएंगे, डेटा रिपीटेशन का, जो मैं दिखाता चाहता हूं आपको लाइव। ठीक, चलिए रन करता हूं मैं प्रोग्राम। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करके करता हूं मैं DCA,
तो इसमें आ गया ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिर इसमें मैं सेलेक्ट कर दूंगा बीसीए, तो अब देखिएगा क्या आएगा, पुराना डेटा तो रह गया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, नया डेटा आ गया इसमें सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक जावा आ गया ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि डेटा कॉम्बो बॉक्स 2 में जब मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक, तो कॉम्बो बॉक्स 2 में जब डेटा ऐड हो रहा है तो ऐड होने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा डेटा को रिमूव करना होगा, क्लियर करना होगा जो डेटा पहले से कॉम्बो बॉक्स 2 में है, यही करना पड़ेगा ना। कॉम्बो बॉक्स 2 में पहले से अगर कोई डेटा है तो उसको पहले डिलीट कर दो और फिर इन सब डेटा को क्या करो, ऐड, ठीक, हमारा लॉजिक काम करेगा। तो क्या कर देंगे जी हम यहां डॉट क्लियर आइटम्स डॉट क्लियर, अभी मैं क्लियर बताया था ना आप लोगों को कैसे क्लियर किया जाए, ऐसे क्लियर किया जाए जी, ठीक। अब इसी को मैं क्या मैं कर दिया, कंट्रोल सी करता हूं, ऊपर भी कर देता हूं, हो सकता है पहले से कुछ हो आइटम में, ठीक है, अब ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक, आइटम को हमने क्लियर कर दिया, ठीक। अभी डेटा नहीं है, इसमें आया डीसीए मैंने ऐड करा तो इसमें आ गया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, मैंने बीसीए ऐड करा तो इसमें आ गया सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक जावा, ठीक, फिर से मैं डीसीए सेलेक्ट करा तो फिर क्या आ गया, फिर से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिर से मैंने यहाँ पे बीसीए सेलेक्ट करा तो फिर क्या आ गया, विजुअल बेसिक, ये सब, राइट। तो इतना तक काम बन गया, इतना तक सबको समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत, है किसी को नहीं है, नहीं है दिक्कत, आगे चले, आगे चले ना चले, अब हमको क्या करना है, इस लेबल में दिखाना है, क्या दिखाना है जी, कोर्स और सब्जेक्ट, कैसे दिखाएंगे, बड़ा आसान तरीका है जी। तो कब दिखना चाहिए, जब इस शो बटन पर क्लिक करा जाए तब, तो बस शो बटन पर डबल क्लिक मारेंगे और क्या कर देंगे, लेबल वन डॉट टेक्स्ट, लेबल वन किसका नाम है, इसका नाम है लेबल वन, कैसे मेरे को पता, प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ आके देख लिया है, देखिए, ठीक, लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक, तो चला जाएगा इसमें सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है और फिर क्या दिखाना है, कॉम्बो बॉक्स 2, कॉम्बो बॉक्स 2 क्या है, कॉम्बो बॉक्स 2 में हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, तो ये क्या हो गया, कॉम्बो बॉक्स 1 में क्या है, हमारा कोर्स है और उस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट है, वो इसमें है, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेबल में कॉन्केटिनेट होकर के आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए जी, अब मैं इसमें आता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं जी डीसीए, फिर यहां पे आके वर्ड सिलेक्ट कर लिया, सो डेटा में क्लिक कर दिया, डीसीए और वर्ड आ गया, फिर से यहां पे कर दूंगा एक्सेल, तो यहां पे आ जाएगा एक्सेल, ठीक है, फिर यहां पे बीसीए सिलेक्ट किया मैं और फिर यहां पे विजुअल बेसिक सिलेक्ट किया, सो डेटा पे क्लिक किया तो आ गया यहां पे बीसीए और विजुअल बेसिक आ गया ना। तो आप इस तरह से काम कर लोगे। यहाँ पे मेरा ये काम नहीं करेगा क्या, करेगा ना, सी में किया था तो यहाँ भी कर देगा, क्यों यही सोच रहे हो आप, कर दिया बड़े अच्छे से, ठीक है, अब बुरा मान गया जी, बुरा मान गया आप, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, दिक्कत है तो पूछ लो यार, दिक्कत नहीं है तो कह दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बताओ कोई समस्या,
इस समय पे इससे ज़्यादा और मैं आपको कॉम्बो बॉक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक। इससे ज़्यादा कॉम्बो बॉक्स आप पढ़ोगे तो डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो जी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे तो हम जान जाएंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, आपको पढ़ाई लिखाई से कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, डिग्री सर्टिफिकेट ये सब मोह माया हो गया है आपके लिए, ठीक। खींच लो फोटो, आप इसको स्विच केस से भी करके देखना जी, बनेगा तो आप और इसमें ज्यादा डेटा ऐड करके देखना, ठीक है। खींच लीजिए फोटो, तो कुछ समझ में आया हो नहीं आया बोलो, कह देंगे समझ में आ गया तो ये आदमी पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है, कह देंगे कि समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत है, अखंड बेइज्जती हो जाएगा। क्यों नहीं पूछूंगा क्या समझ में आया, जरा बता दो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से सबको बताऊं, इस लाइन से क्या हो रहा है, कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड हो रहा है, ये कॉम्बो बॉक्स का नाम है, ये आइटम प्रॉपर्टी है, ये है ऐड, ठीक, ऐड फंक्शन है, ठीक है, ठीक। ये कॉम्बो बॉक्स का नाम है मतलब आप खुद हैं, ये कॉम्बो बॉक्स का प्रॉपर्टी है मतलब समझ लीजिए कि आपका हाथ है, और ये ऐड है क्या, सब रूटीन माने क्या, फंक्शन आप सब समझ लो, फंक्शन है नहीं पर आप समझ लो। अब और आप हाथ के जरिए क्या करते हैं, हाथ से कोई सामान उठा करके किसी को देते हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐड जो सब रूटीन है ये आइटम को जो है देने का काम कर रहा है और ऐड कर दे रहा है कॉम्बो बॉक्स में। आप क्या करते हैं, अपने हाथ से सामान किसी दूसरे को दे देते हैं या कोई सामान उठा के अपने जेब में रख लेते हैं जी, जेब से कोई सामान निकाल के दान कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ परेशानी है तो आप लोग बताइए, और परेशानी नहीं है तो हम मान लेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कॉम्बो बॉक्स में। बाकी कॉम्बो बॉक्स को हम डेटाबेस के साथ पढ़ेंगे तो और कुछ इसमें आएगा, ठीक है। अभी बगैर डेटाबेस के इतना जो है काफी है आपके लिए, ठीक है। तो बंद करें, अब हो गया, लिखेंगे पढ़ेंगे आप लोग, चलिए जी बाकी देख लेंगे कल, स्टॉप कर दूं।